उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर में आज बसपा से निर्वाचित विधायक मोहम्मद शहजाद लक्सर विधायक ने बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन के इस कार्यक्रम में शहर के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बसपा विधायक ने गरीब लोगों को ठंड का मौसम देखते हुए कंबल वितरण किए। इस दौरान ज्यादातर लोगों को कार्यक्रम में अंदर नहीं आने दिया गया, गेट पर ताला लगा दिया गया। बाहर खड़े लोग विधायक से नाराज नजर आए। गेट के बाहर खड़े लोग कंबल मिलने का इंतजार करते रहे। अपने संबोधन के दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा संविधान को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश के संस्थान पूंजीपतियों के हाथ बेच रही है। जब देश गरीब हालात में था तो सरकार संस्थान बना रही थी। अब देश मजबूत हालत में है, अब सरकार संस्थान बेच रही है। समझ नहीं आता कि देश के हालात सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। उन्होंने श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस महीने में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस महीने में ये नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रही है, वोट बटोरने की प्रतिष्ठा कर रही बीजेपी भगवान का इस्तेमाल वोट के लिए कर रही है। आपके द्वारा लक्सर में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, क्या कार्यक्रम है? देखिए, जो मेरी नेता है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय बहन जी मायावती जी, उनका आज 68वां जन्मदिन है, उसकी शुभकामना का ये सिर्फ प्रोग्राम है। जो गरीब गुरबा महिलाएं विधवा ही है उन्हें सिर्फ सर्दी के मौसम में थोड़ा गर्म कपड़ा देने की भी व्यवस्था की गई है। बस इतना सा ही प्रोग्राम है, चाय हलवार पकौड़ी है और ज़्यादा कुछ नहीं। सर, इस दौरान आपने जो है सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी है आप अभी बता रहे थे, क्या है ये पूरा मामला, क्या किस तरह से बिगड़ी कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था देश की बिगड़ रही है, प्रदेश की तो है ही, देश में क्या है, हालात बहुत बदतर हैं। सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई आपकी सुन रहा हो तो आप बता दें, मीडिया कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं। भाई, जो बड़ी मीडिया है वो क्या कर रही है, देख लाभ टीवी खोल लो, चर्चा क्या है, कोई समाचार है क्या? सिर्फ एक ही चर्चा है, दूसरी कोई है ही नहीं कि भाई डूम राजा को इन्विटेशन दे दिया, फलाकू दे दिया, फलाना मना कर दिया, फलाना कह दिया, ये मीडिया का काम थोड़ा ही है। जो प्रोग्राम कर रहा वो जाने, कौन जा रहा नहीं जा रहा। भाई, टोटल मीडिया सिर्फ एक इवेंट में लग गया, वोटर रोल के और क्या है, कुछ नहीं। सर, आपने अभी जो है सरकार क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार बेच रही है। भाई, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बड़े बड़े संस्थान बेच दिए, जितनी कंपनी थी वो बेच दी, बीएचएल भी बिखरी है, नौरत्न थे वो सब बिक गए। तो सरकार जब यहाँ गरीब भारत था तब उसने संस्थान खड़े किए हैं, आज मजबूत भारत है तो संस्थान बिखरे हैं। तो जो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है वो टोटे में बेचता है, प्रॉफिट में बेचता है, ये ध्यान जनता को करना है। आपने ये भी कहा कि संविधान में सरकार बदलाव चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार संविधान को बदलना चाहती है, उसमें परिवर्तन करना चाहती है। जो समतामूलक समाज कि आधारशिला पर संविधान का गठन हुआ है उसमें परिवर्तन करना चाहती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।